तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ एवेन्यू मॉल। वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। ऐसा लग रहा है पानी है यहाँ पर। ये काफी यूनिक लिफ्ट है। बच्चे लोग देखो बैठे हुए हैं, देखते हैं ऊपर और क्या। तो बहुत ढूंढने के बाद फाइनली अभी इधर कलीम भाई आ चुके हैं। ये तीसरा गुंबद देख सकते हैं यहाँ पर, और पीछे अभी पूरा एंडलेस है, आप देख सकते हैं अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नुमान ब्लॉग्स NPT। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ एवेन्यू मॉल, और वहाँ पर मैं क्यों जाने वाला हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो मैं बता दूं कि कुवैत का जो एवेन्यू मॉल है वो कुवैत का सबसे बिगेस्ट मॉल है, और वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। मतलब वहाँ पर एक डिफरेंट वर्ल्ड है। अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो वो लगेगा नहीं कि वो मॉल है, क्योंकि वो एक अलग डिज़ाइन में ऐसा बनाया गया है। तो वहाँ पर टोटली करीब 2 किलोमीटर लंबा वो मॉल है, और 1000 के ऊपर स्टोर्स भी हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा मॉल होगा। तो हम चलते हैं वहीं, और वहाँ पर मैं मिलने वाला हूँ एक कुवैत के यूट्यूबर हैं कलीम भाई, तो वहाँ पर वो मिलने वाले हैं। तो वो भी कुवैत में जो है काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, तो मेरी उनसे रिसेंटली बात हुई तो मुझे लगा कि उनसे मिलना चाहिए। तो फिर आज हम फाइनली वहाँ पर मिलने जा रहे हैं, और फिर आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं, और फिर मिलते हैं वहीं पर। तो हम अभी जाने वाले हैं इस ब्रिज से एवेन्यू मॉल, आप देख सकते हैं वो उधर है वहाँ पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ ब्रिज क्रॉस करके मॉल के साइड, और चलिए चल के देखते हैं यहाँ पर गेट किस साइड से है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे भी इतना मालूम नहीं है। तो फिर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं और करीब, और यहाँ से तो और खूबसूरत लग रहा है। तो सोचो बाहर का ऐसा व्यू है तो अंदर का व्यू क्या ही होगा। और ये जो बॉल के जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी अंगूठी में एक डायमंड का नग रखा हो। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ एवेन्यू मॉल के अंदर, और यहाँ का नज़ारा काफ़ी औसम है। यहाँ पर एक यूट्यूबर कलीम भाई हैं, वो आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो तब तक अभी वो आए नहीं हैं, तो फिर चलते हैं। आपको तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं बता दूँ, ये जो ये बैक साइड जो आप देख रहे हैं, यहीं से इसके बैक साइड से एंट्रेंस है। ये एक इसका ये रोड 60 से अगर आप आते हैं तो इसका एंट्रेंस यहाँ पर आएगा, और अगर आप दूसरे साइड से आएंगे तो एक जो है उसका दूसरे इंड पर ये साइड पर उसका एंट्रेंस है। वो काफ़ी अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर अगर आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, उसका दूसरा गेट वो साइड है। तो मैंने जो बाहर से दिखाया आपको जो राउंड बॉल के जैसा था, उसका हाफ पार्ट ये है, और ये काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे वो एक PK मूवी है ना, उसमें आमिर खान वो एक स्पेस शिप से उतरता है ना, वो अपने गोले दूसरे गोले से आता है ना, वही गोला ये है। तो ये यहाँ पर मैं बता दूँ आपको एक्चुअली है क्या, ये इसके अंदर सारे मूवी थिएटर्स हैं, तो काफ़ी कमाल का दिखता है। और ये सामने देख सकते हैं ये कुवैत का फ्लैग भी है उस पर, तो ये स्क्रीन ऐसा चलती रहती है। और मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये मॉल जो है ये काफ़ी लग्जरी और एक्सपेंसिव मॉल है। ऊपर की साइड दिखाता हूँ, ये जो आप रूफ़ देख रहे हैं ये एक ट्रांसपेरेंट रूफ़ है, तो पूरी रोशनी अंदर आती है, और इसमें ऐसा एक फील आता है जैसे हम ओपन एरिया में चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये मॉल इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, और बिल्कुल एक ये अलग शहर लगता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हैं, और बड़े बड़े भी पेड़ हैं एक्चुअली, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पूरे मॉल में ऐसा पेड़ लगाए गए हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हेला फेब आ रहा है, मतलब यहाँ का नेशनल डे, तो यहाँ पर जो है काफ़ी फ्लैग्स भी लगाए गए हैं, आप फ्लैग्स भी देख सकते हैं ऊपर।
शानदार डेबनेम्स, क्या क्या ब्रांड है, अभी नाम भी सही से इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर ब्रांड्स हैं, कुछ डायरेक्शन दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप बच्चे लोग भी खेल रहे हैं। ये ऐसा डिस्प्ले है, यहाँ बच्चे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पानी है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो इधर, ये एक बिल्डिंग के जैसा इसको स्ट्रक्चर किया गया है, और ये बिल्कुल लग रहा है ऐसा यहाँ पर एक घर बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 किलोमीटर लंबा मॉल है और इसमें 1000 से भी ज़्यादा स्टोर्स और शॉप्स हैं, तो मैं जितनी दूर तक जा सकता हूँ उतनी दूर तक आपको चलकर दिखाता हूँ, और मैं भी देखता हूँ आखिर इतनी दूर तक बना क्या है इसमें। यहाँ पर अनदर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हेयर, और चारों तरफ से ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो मैं आपको एक बार यहाँ का सिनेमैटिक लुक देता हूँ। फिर इधर हम लोग अभी नीचे चलते हैं। ये सामने है H&M, ये बच्चों के खेलने के लिए हैं काफ़ी चीज़ें। बच्चों की रेल देख सकते हैं आप, रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई। ये एक काइंड ऑफ लिफ्ट इट इज़, देख सकते हैं ये काफ़ी यूनिक लिफ्ट है। रेल अभी चालू हो गई और चक्कर काटते हुए अभी जाएगी, तो बच्चे लोग देखो बैठे हुए हैं और बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि इनको इसी चीज़ में मज़ा आता है। अभी जो आप देख रहे थे ये लिफ्ट अभी किधर चली गई मालूम नहीं, ये लगता है बेसमेंट में चली गई है। तो फिर चलिए चलते हैं हम ऊपर और देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद फाइनली अभी इधर कलीम भाई आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हम लोग जो है मिले हैं, मैं काफ़ी टाइम से इनसे इनके ब्लॉग देख रहा था, तो मिलने की सोच रहा था काफ़ी टाइम से, और फिर मैसेज किया तो इन्होंने फौरन बोला मिलने के लिए। तो फिर आज हम आए हैं इस एवेन्यू मॉल में, तो साथ में एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर एवेन्यू मॉल को, और यहाँ पर एक छोटा सा कलीम भाई का इंटरव्यू भी लेंगे इनके यूट्यूब जर्नी के बारे में, क्योंकि इनके वीडियोज़ कमाल के रहते हैं। और ये यहाँ कुवैत में काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में वीडियो बनाते हैं, और इनके एडिटिंग भी काफ़ी कमाल की है। तो कलीम भाई आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रो दीजिए आप। सो गाइस, मेरा नाम है कलीम अहमद और मेरे चैनल का नाम है वॉच द वर्ल्ड ब्यूटी, एक ब्लॉग चैनल है मेरा। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कुवैत से रिलेटेड, और अभी मैं इंडिया में गया था तो वहाँ पर काफ़ी सारे मैंने ब्लॉग बनाए थे, तो मेरे चैनल पर आपको ब्लॉग ही ब्लॉग मिलेंगे क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है। बाकी यहाँ पर मैं कुवैत में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट की है पिछले 2022 में, लेकिन यहाँ पर मैं कुवैत में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। तो अभी मेरी नुमान भाई से इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई थी क्योंकि इन्होंने मेरे ब्लॉग देखे, तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो आज हम फाइनली यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई है। तो दोस्तों अभी जैसा देख सकते हैं, अभी ये मेरा माइक था, ये तो शायद डिस्चार्ज हो गया, आप लोग को वॉइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसके लिए सॉरी। तो अभी हम यहाँ पर कहीं खाली स्पेस साइलेंस प्लेस देखते हैं कहीं पर, और वहाँ पर थोड़ा डिटेल में कलीम भाई के बारे में जानेंगे कि इन्होंने यूट्यूब जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट की, इससे आप लोगों को जो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिल सकता है जो नए ब्लॉगर हैं जो जिन्होंने स्टार्ट करना है ब्लॉगिंग। तो फिर चलते हैं हम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुमित कुमार। तो ये सुमित कुमार हैं, ये कलीम भाई के जो है फ्रेंड हैं। तो कैसे हो भाई? और मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। और कैसे? बस मेरा भी ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर और आगे आपको बने रहिए। अभी हम फिर चलने वाले हैं, ये सामने चलते हैं, ये मुझे लग रहा है ये लास्ट है इधर इस साइड पर। हम दूसरे फेस में ऐसा लग रहा है हम आ गए हैं, और इस फेस में कुछ ऐसा डिज़ाइन जो है
वो काफ़ी बिल्कुल एक क्लासिक डिज़ाइन है यहाँ पर, एक थोड़ा वाइब अलग हो जाता है इधर का वाइब। और इधर फिर वापस से रेस्ट्रो आ गया है और ये तीसरा गुंबद अभी कंटिन्यूसली। और फिर अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गुंबद है और इधर सारे रेस्ट्रो हैं ऐसा लग रहा है, इधर पे बहुत सारे रेस्ट्रो हैं। तो अभी हम और आगे जाते हैं, अभी तक एंड नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यूसली हम लोग चल रहे हैं और लगभग अभी तो 1 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली आ चुके होंगे। ये सब इधर सारे बहुत सारे रेस्ट्रो हैं, ये पूरा लगता है ये सेक्शन पूरा रेस्ट्रो सेक्शन है। और मैं जाना चाहता हूँ पूरा एंड तक ही, देखता हूँ यहाँ पर और आगे क्या क्या है, बस इधर रेस्ट्रो है या और भी आगे कुछ है। अभी रेस्ट्रो सेक्शन तो ख़त्म हो गया है, यहाँ पर क्या चालू हो गया यार, मेरे को तो लग रहा है ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, ये एंडलेस है। अभी बहुत दूर मैं चलकर आ चुका हूँ अभी तक, लेकिन अभी भी आगे चलने को बहुत कुछ है और देख सकते हैं। तो थोड़ा दूर तक और जाके मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर अभी हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया ना कि यहाँ पर टोटली 1100 स्टोर्स हैं टोटली। तो आप फिर सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर ये कितना बड़ा होगा। तो अभी मैं चलते चले जा रहा हूँ और पीछे अभी पूरा एंडलेस है, आप देख सकते हैं अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फिर मैं चलता हूँ रिटर्न यहाँ से, और यहाँ पर मैं आके रुका हूँ तो आपको यहाँ का भी एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ का व्यू उस साइड देख सकते हैं। जितना जितना दूर आपको नज़र आएगा उतना दूर मतलब पूरा ऐसा बना हुआ है। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा खींच रहा है, तो इसको यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।